जय हिंद। मैं राकेश ऑफ पेशी एकेडमी से आज हम जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच समानता तथा असमानता को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म व बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समानताओं को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच जो समानता है इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही अनिश्वरवाद को मानते हैं। अनिश्वरवाद का अर्थ होता है पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के ही द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है, इसे ही कहा जाता है अनिश्वरवाद। दूसरा है निवृत्ति मूलक धर्म। निवृत्ति मूलक धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के दोनों निवृत्ति मूलक धर्म है। निवृत्ति मूलक मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग होता है। निवृत्ति मूलक का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को बताया गया है, इसे ही कहा जाता है निवृत्ति मूलक धर्म। तीसरा है यथार्थवाद। यथार्थवाद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही यथार्थवाद को मानते हैं। यथार्थवाद का अर्थ होता है वास्तविक सत्य का ज्ञान, वास्तविक सत्य का ज्ञान, इसे ही कहा जाता है यथार्थवाद अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, या इसे ही हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला है कर्मवाद। कर्मवाद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में ही कर्मवाद के सिद्धांत को माना जाता है। कर्मवाद का अर्थ होता है कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत। अगला है शुद्धिवाद। शुद्धिवाद अर्थात आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में ही आचरण की शुद्धता अर्थात शुद्धिवाद को माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य समानताएं हैं, ध्यान दीजिएगा, वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीनता। वेदों के प्रति उदासीनता का अर्थ है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में वेदों को परम सत्य नहीं माना गया है, इसीलिए मैंने कहा दोनों में समानता है वेदों के प्रति उदासीनता। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में ही वेदों को परम सत्य नहीं माना गया है। अगला है ईश्वर की सत्ता। ईश्वर की सत्ता की अस्वीकृति, अस्वीकृति। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में ही ईश्वर की सत्ता को माना नहीं गया है, इस संसार को ईश्वर की सत्ता से मुक्त माना गया है। अगला है कर्म कांडों का निषेध। कर्म कांडों का निषेध, कर्म कांडों का निषेध का अर्थ है तंत्र मंत्र जादू टोना का बहिष्कार किया गया है।
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कर्म कांडों को निषेध माना गया है, अर्थात तंत्र मंत्र जादू टोना का बहिष्कार किया गया है। रीति रिवाजों का बहिष्कार किया गया है। यज्ञ कर्मकांड पशु बलि की निंदा की गई है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में। अगला है वर्ण व्यवस्था। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में ही वर्ण व्यवस्था पर विश्वास किया गया है, लेकिन ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति का बहिष्कार किया गया है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को तो माना गया है, वर्ण व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को माना नहीं गया है। अगला है मूर्ति पूजा का विरोध। यदि हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में, तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के गुरुओं के द्वारा, तीर्थकरों के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। जैन धर्म में 24 तीर्थकरों के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, लेकिन कालांतर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ कालांतर में जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा 24 तीर्थकरों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा का प्रारंभ किया गया। अर्थात बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, जैन धर्म में 24 तीर्थकरों के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, लेकिन कालांतर में इनके अनुयायियों के द्वारा इन्हीं की मूर्ति बनाकर पूजा का प्रारंभ किया गया। तो यह है जैन धर्म व बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन में समानता। पहला है अनिश्वरवाद निवृत्ति मूलक धर्म, यथार्थवाद कर्मवाद शुद्धिवाद, वेदों के प्रति उदासीनता, ईश्वर की सत्ता की अस्वीकृति, कर्म कांडों का निषेध, रीति रिवाजों का बहिष्कार, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा का विरोध। जैन धर्म व बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं असमानता अर्थात अंतर। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म व बौद्ध धर्म के बीच के प्रमुख अंतर या असमानता को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य बिंदु जिसके अंतर्गत हम इन दोनों के बीच डिफरेंस को समझेंगे, जैन धर्म व बौद्ध धर्म के बीच के असमानता को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म ध्यान दीजिएगा, पहला है उपदेश की भाषा। जैन धर्म में उपदेश की भाषा प्राकृतिक थी, जबकि बौद्ध धर्म में उपदेश की भाषा पाली थी। दूसरा है जैन धर्म व बौद्ध धर्म में असमानता में दूसरा है साहित्य की लिपि
जैन धर्म में साहित्य की लिपि थी अर्ध मागधी लिपि, जबकि बौद्ध धर्म में था ब्राह्मी लिपि। साहित्य की लिपि जैन धर्म में अर्ध मागधी लिपि, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मी लिपि। अगला डिफरेंस है आत्मा। जैन धर्म में आत्मा में विश्वास किया गया, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया गया। अर्थात बौद्ध धर्म अनात्मवादी धर्म था, जैन धर्म में आत्मा में विश्वास किया गया, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं, आत्मा में विश्वास नहीं किया गया। अर्थात बौद्ध धर्म अनात्मवादी धर्म था, अनात्मवादी धर्म था, अनात्मवाद के ये अनुयायी थे बौद्ध धर्म। अगला है संलेखना विधि। संलेखना विधि उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करने की विधि को संलेखना विधि कहा जाता है। संलेखना विधि जैन धर्म के द्वारा मान्य था, जबकि बौद्ध धर्म के द्वारा यह अमान्य था। ध्यान दीजिएगा। अगला है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही प्राप्त की जा सकती है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन काल में ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही प्राप्त होती है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार अपने जीवन काल में ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो मोक्ष के परिपेक्ष में जैन धर्म कहता है दुखमय संसार से मुक्ति। दुखमय संसार से मुक्ति अर्थात इसका एकमात्र मार्ग है मृत्यु, संलेखना विधि से। जबकि बौद्ध धर्म कहता है संसारिक बंधनों से मुक्ति। संसारिक बंधनों से मुक्ति इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन काल में यदि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जबकि जैन धर्म में कहा है गया है कि दुखमय संसार से आपको मुक्त होना पड़ेगा, अर्थात इसका अर्थ है मृत्यु। मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है जैन धर्म के अनुसार, जबकि सांसारिक बंधनों से यदि आप मुक्त हो जाते हैं तो बौद्ध धर्म में इसे ही मोक्ष माना गया है। अगला है निर्वाणवाद। निर्वाणवाद जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में ही निर्वाण को माना गया है, लेकिन निर्वाण की परंपरा दोनों में ही बिल्कुल अलग है। जैन धर्म की मान्यता है कि मृत्यु के उपरांत ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, जबकि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि मृत्यु के पूर्व भी निर्वाण पाया जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार मृत्यु के उपरांत निर्वाण की प्राप्ति होती है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु के पूर्व अपने जीवन काल में भी निर्वाण की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पूर्व निर्वाण की प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा। अगला है शाश्वतवाद वा क्षणिकवाद। ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म में शाश्वतवाद
के सिद्धांत पर बल दिया गया है। अर्थात जैन धर्म के अनुसार यह संसार शाश्वत व नित्य है, अर्थात किसी भी प्रलय के द्वारा इस संसार का विनाश नहीं होगा। जबकि बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद के सिद्धांत पर बल दिया गया है, क्षणिकवाद के सिद्धांत पर बल दिया गया है, अर्थात बौद्ध धर्म के अनुसार यह संसार क्षणिक व नश्वर है, अर्थात कभी ना कभी इस संसार का विनाश होगा। यह सिद्धांत मान्यता है बौद्ध धर्म का। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म मानता है कि यह संसार क्षणिक व नश्वर है, जबकि जैन धर्म मानता है कि यह संसार शाश्वत व नित्य है। यह मान्यता है जैन धर्म की। इसके अतिरिक्त अन्य असमानताएं जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अन्य असमानताएं हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, अहिंसा। यदि हम बात करते हैं अहिंसा की, तो जैन धर्म अहिंसा के प्रति कट्टर थे, अहिंसा के प्रति कट्टर थे। अर्थात जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा पर कम बल दिया गया, यदि हम प्रचार प्रसार की बात करते हैं, तो जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा। जैन धर्म का प्रचार प्रसार केवल और केवल भारत में ही हुआ, अर्थात यह भारत तक सीमित रहा, जबकि बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच असमानताएं। यह है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच प्रमुख असमानताएं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच ये था तुलनात्मक अध्ययन।